हेलो फ्रेंड, मैं आज एक वीडियो आपके पास लेके आया। मैं बताऊंगा एक बुलुआर के बारे में। देखिए, ये आपका केपीटी शक्ति का बुलुआर है। आपको दिखाई दे रहा ठीक से? ये केपीटी शक्ति का बुलुआर है। इसका देखिए 220 वोल्ट से ये चलता है और ये 2.2 एम्पियर लेता है और 500 वाट का ये बुलुआर है। और इसका जो मॉडल नंबर है SBL, आपको ठीक से दिखाई दे रहा? ध्यान से देखिए, SBL 500E इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। तो इसका क्या हुआ था, इसका आर्मीचर ठीक है। मैं इसको पूरा खोला, इसका आर्मीचर सही है, लेकिन इसका फील कॉयल में थोड़ा प्रॉब्लम था। फील कॉयल देखिए ठीक से, यहाँ देखिए, यहाँ ब्लास्ट कर गया था। ठीक है, आपको आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, काला काला हो गया, देख के ही पता चल रहा। ठीक है, तो ये इसका पुराना वाला फिल कॉयल था। तो मैं नया पहले मंगाने का कोशिश किया तो मार्केट में नहीं मिल रहा था, यानी मिलेगा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहा था KPT शक्ति का ही ओरिजिनल वाला लेना पड़ेगा, इसका दाम भी थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको हाथ से वाइंडिंग किया। ठीक है, पूरा वीडियो आप देखिए, मैं इसका डाटा भी बताऊँगा, इसका कितना नंबर वायर से मैं वाइंडिंग किया और कितना गेज इसमें था। ठीक है, कितना टांस डाला, मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका फिनिशिंग कैसा हुआ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। जिन भाइयों ने फिल कॉयल वाइंडिंग करते हो हाथ से, तो मैं भी किया, मेरा वाइंडिंग कैसा हुआ थोड़ा बता दीजिएगा दोस्तों। आपका कमेंट देख के मैं खुश हो जाता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बुलुआर का फिल कॉयल है, देखिए ये पीछे तरफ। ठीक है, ये दो लीड जो निकला है, ये लीड दो आपका एक डायरेक्ट लाइन में जाएगा, एक स्विच भाया होके जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए पीछे तरफ जो दो निकाला मैं, वही पुराना वाला जो कार्बन होल्डर का जो वही स्प्रिंग को मैं यहाँ पुराना वाला इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, ये दो कार्बन होल्डर में जाएगा और इधर जो दो लीड निकाला है, ये एक स्विच में चला जाएगा। ये वाला स्विच में दे देंगे हम, कोई भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक स्विच में जाएगा, एक डायरेक्ट लाइन में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको वाइंडिंग किया, लेकिन मैं इसको जो ये जो पेपर में यूज किया, ये जो मैं पेपर यूज किया, ये ऐसे ही नॉर्मल फिल्म पेपर जो लेता है हम लोग मोटर वाइंडिंग करते हैं, फैन वाइंडिंग करते हैं, वो वाला नहीं है। मैं इसको थोड़ा बेटर क्वालिटी का दिया, आप लोगों को पता होगा, ये नोमेक्स बोल के एक पेपर आता है, ये 7 नंबर नोमेक्स पेपर में यूज किया। ठीक है दोस्तों, वाइंडिंग करने का बाद टाई लगा दिया। ठीक है दोस्तों, टाई लगाने का बाद ही इसको मैं पूरा हीट देके, थोड़ा हीट देके वार्निश कर दिया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसका फिनिशिंग जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए कैसा वार्निंग हुआ, थोड़ा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अच्छा लगे तो। और इसका जो इसका अंदर जो डाटा है दोस्तों, वो डाटा मैं बता रहा हूँ, दोनों में सेम ही है। ठीक है, 28 नंबर वायर है जो मैं ये पुराना वाला से जो जो वो मुझे मिला, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद से नहीं डाला, जो कंपनी वाला था वही मैं डाला, गिन के गेज करके जो मुझे मिला मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका पास अगर ऐसा होगा तो आप खोल के ये मॉडल नंबर जो मैं बता दिया, देखिए ये जो मैं मॉडल नंबर आपको बताया, आप नज़दीक से देखिए, आपको देख के पता चलेगा SBL 500E मॉडल नंबर, 500 वाट का ये KPT शक्ति का मशीन है। ठीक है दोस्तों, मैं दिखा दिया। तो आपका पास अगर ऐसा वाला मशीन है तो इसका जो ओरिजिनल फिल कॉयल है, इसका थोड़ा रेट ज़्यादा है, तो आप वाइंडिंग कीजिएगा तो आपका बहुत कम पैसा में हो जाएगा। ठीक है, तो आप कस्टमर को भी दे के दो पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिल कॉयल वाइंडिंग करना ऐसा कोई बात नहीं, आसान चीज़ है दोस्तों। तो मैं इसका बता रहा हूँ, इसका जो गेज है कंपनी वाला ही जो था, मैं गिन के देखा, गिनने का बाद मुझे इसके अंदर जो टांस था वो मिला 205 टांस। ठीक है दोस्तों, 205 टांस मुझे मिला, मैं उस 205 टांस ही डाला, दोनों में सेम है, 28 नंबर वायर है और 205 टांस है, 205 टांस। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, दोनों में सेम डाटा है, 205 टर्न करके है एक एक कॉयल में, और आपका गेज है 28 नंबर कॉपर वायर से मैं वाइंडिंग किया, नया वाला भी जो वाइंडिंग किया
वो भी कॉपर वायर ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा दिया पूरा वायरिंग। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। मैं इसी तरह वीडियो में देता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।